महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर उठा पटक चालू है, तो ही दूसरी तरफ पानी के लिए तड़पते दीवावासियों के नर नारी बूढ़े बच्चे सहित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी दीवा सह सचिव रोहिदास मुंडे की अगुवाई में 90 लीटर पानी की मांग हर दिन हर दीवावासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए दीवा प्रभाग समिति समक्ष किया जोरदार आंदोलन। हमारी मांगे यही है कि पूरे कॉरपोरेशन के एरिया में कॉरपोरेशन ने 135 लीटर ये डेली का एक आदमी को पानी मिलना चाहिए ये बोले, और हमारा यही मांग है कि अगर थाना में सबको अगर एक 135 लीटर अगर पानी मिलता है तो दीवावासियों के लिए क्यों नहीं। हमारी यही मांग है कि अगर 135 में अगर 90 लीटर पीने का पानी है और 45 लीटर यूज के लिए पानी किया जाता है, हम तो ये कहते हैं कि हमको यूज के लिए दे मत, लेकिन जो पीने का हमारा हक का पानी है 90 लीटर वो तो हमको दीवावासियों को मिलना जरूरी है। और आपकी मांग है जरा पूरी नहीं तो आगे का क्या रुख है आपका? ये तो हमारा पहला स्टैंड है कि हमने बताया है कि 25 तारीख को हम दीवा प्रभाग समिति के सामने हम धरने आंदोलन करेंगे, लेकिन इसमें भी नहीं, और 2 तारीख को अपना थाने मुख्यालय के सामने निषेध आंदोलन है। क्या समस्या दीवा में पानी की, क्या समस्या है? तो वही दीवा प्रभाग समिति पानी विभाग उप अभियंता सुनील यादव ने बताया कि यह सभी आंदोलनकर्ता अनाधिकृत तरीके से पानी पी रहे थे अभी तक, जिन्हें पानी पाने का कोई हक नहीं है। दीवा से पूरी की रिपोर्ट। अभी जो ये जो आंदोलन के लिए इधर बैठे हैं वही पूरा तो इलीगल ये है, उसको बेसी नहीं है, क्योंकि उनके वो जो रह रहे सब ये इनलीगल है, पानी इनलीगल, सब इनलीगल, ये जो पहले मैंने बोला। अभी हम लोग यहाँ के जो अभी कार्रवाई करके जो जिनको जिनको अभय योजना में लाए, वो अभय योजना में अभी श्लोक नगर में काम चालू है, काम पूरा हो गया, उनको पानी मिल रहा है। ओमकार नगर में काम चालू हो गया, उनको पानी मिल रहा है। तिसाई नगर में पानी उनको लाइन डाला है। उधर गणेश नगर में पाड़ा में गणेश पाड़ा में पानी, नाइक नगर में अभी इधर कम से कम 10-11 जो हमारा जो पानी का जो लाइन है वो डाल के पूरा हो गया और पानी भी चालू हो गया और पब्लिक समाधानी है। सर अभी तक कितने कनेक्शन खंडित किए आपने? कम से कम 3,500 कनेक्शन खंडित किए यहाँ, जो इनलीगल कनेक्शन लेके यहाँ का जो इनलीगल जो बाजार चालू था वो बंद किया हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर पुलिस केसेस भी दाखिल किया हूँ मैं उनके ऊपर। अभी जो ये लोग 90 लीटर की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इनका जो मांग है वो ही गलत है, क्योंकि इधर कोई भी लीगल ये बिल्डिंग ही नहीं है ना। जो लीगल बिल्डिंग रहेगा वो लीगल बिल्डिंग को ओसी सीसी रहेगा, उसको ही हम लोग वो पूरा पानी दे रहे। उनका लीगल न होने के बाद भी वो जो चोरी से ले रहे थे पानी, उसको ही हम लोग ने अभय योजना में लाए। वो तो वो चोरी से ले रहे थे ना, उनका ही पानी हम लोग ने उनको दे रहे ना, पानी तो उनको पूरा मिल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं लीगल कनेक्शन है दीवा में, तो क्या आपकी कार्रवाई यहाँ पर इसी तरह जारी रहेगी? जारी रहेगी। जो आयुक्त साहब के कहने से जो मैं इधर आया हूँ, आयुक्त साहब ने मुझे इधर भेजा है दीवा के लिए, उनका विश्वास मैं सार्थ करूंगा, और यहाँ से मैं जो अभी कार्रवाई आगे से करूंगा तो वो कार्रवाई के लिए मैं आपको ये दे दूंगा नोट, क्योंकि यहाँ जो आप अभी भी थोड़ा मेरा काम अभी बाकी है। अभी जो प्रोजेक्ट का लाइन चालू होगा हर एक एरिया में, क्योंकि इनलीगल जो भी है ना, दिन ब दिन इधर के इनलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं। जो इनलीगल जो हुआ है उनको तो अपन इनलीगल का ये चोरी से पानी यूज कर रहे थे, तो इनका हक है क्या एक डब्बे और 45 लीटर का मांगने का? नहीं है, हक नहीं है। तो भी हम लोग महापालिका सहानुभूति और मानवता के दृष्टिकोण से उनको पानी हम लोग दे रहे और मिल रहे हैं उनको पानी। आप जाके यहाँ कौन से भी रे में, क्योंकि यहाँ का जूनिंग करके हम लोग जो पानी आ रहा है उसर घर से मेन लाइन से कटवा के हम लोग ने सब ब्रांच लाइन में लिए सबको, और सबको पानी का डिस्ट्रीब्यूशन योग्य तरह से कर रहे हैं।